रसूल पर बावकार उलमा इकराम तमाम सामाईन इस्लामी खवातीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेदार हैं आप हजरात, बहुत अच्छे खतीब, आपके जाने पहचाने सब जानते हैं हजरत को, जानते नहीं जानते, और खुशी की बात ये आले रसूल हैं सुभान अल्लाह। आपका यहाँ बैठना बेकार नहीं है बल्कि कामयाब है। अल्लाह ने आपका अगर एक लम्हा भी बैठना यहाँ कबूल कर लिया तो दुनिया और आखिरत में बेड़ा पार हो जाएगा। वक्त ज्यादा हो जाएगा अगर खुतबा पढ़ा जाएगा, बस आप मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीईना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं खतीब आज़म हिंदुस्तान आलिम नबील फाजिल जलील बकियतुस्सलफ़ उम्दतुल खलफ़ जलालतुल इल्म हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा हुज़ूर सैयद आलिमुल क़ादरी साहब क़बीला पूरी शान खिताबत के साथ बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। आप भी तैयार हैं हजरत की तकरीर सुनने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पढ़ रहे थे शायर मुल्क हिंदुस्तान, ऐसे शायर अभी अभी पढ़ रहे थे। जिस जलसे में जिस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं अपने लहजे के जरिए अपनी आवाज के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह उस जलसे को कामयाब देते हैं। शायरे मुल्क हिंदुस्तान भाई आकिल रजा साहब क़बीला मुरादाबादी बहुत अच्छा पढ़ा, और नकीबे आज़म हिंदुस्तान हजरत मौलाना ज़ुल्फ़िकार साहब क़बीला ये तमाम जिम्मेदार उलमा तशरीफ रखते हैं। शायरे अहले सुन्नत हजरत मौलाना नफीस अख्तर साहब क़बीला आपकी मस्जिद के खतीब और इमाम हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जुनैद साहब क़बीला, और शायर अहले सुन्नत आपकी मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना फरमान साहब क़बीला हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद जलालुद्दीन साहब क़बीला पूरी शान सदारत के साथ जलवगर है। जिम्मेदार उलमा तशरीफ रखते हैं, बस इनकी दुआओं का तालिब, बस बहुत जल्द इंशाल्लाह मुख्तसर निजामत करने की कोशिश करूंगा। सारा मजमा मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, बिल्कुल कंजूसी न करे। काले रसूल के दरमियान हम और आप बैठे हैं, आका मदीने से देख रहे हैं, मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। और तो आपके बोले या रसूल अल्लाह, चमन में फूल, चमन में फूल जो अच्छा दिखाई देता है, चमन में फूल जो अच्छा दिखाई देता है, नबी के हुस्न का सदका दिखाई देता है। चमन में फूल जो अच्छा दिखाई देता है, नबी के हुस्न का सदका दिखाई देता है। मेरे हुसूर को अपनी तरह बशर जो कहे वो आंख रख के भी अंधा दिखाई देता है। मेरे हुजूर को अपनी तरह बशर जो कहे वो आंख रख के भी अंधा दिखाई देता है, और खुदा करे वहां जाके मेरा दम निकले, खुदा करे वहां जाके मेरा दम निकले जहां से गुंबदे खजरा दिखाई देता है, जहां से गुंबदे खजरा दिखाई देता है, और फरिश्ते शहरे तैबा में जाके कहने लगे, फरिश्ते शहरे तैबा में जाके कहने लगे यहाँ भी खुल्द का नक्शा दिखाई देता है, यहाँ भी खुल्द का नक्शा दिखाई देता है। और मैं तो यही कहूंगा, तुम्हारी दीद का हासिल अगर एक जाम हो जाए मरीज़े हिजर को आका अभी आराम हो जाए, बुला लीजिए मदीने में कि हर दम खौफ रहता है, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, और गम की रुदात सुनाने की जरूरत भाई, गम की रुदात सुनाने की जरूरत ही नहीं, वो जानते हैं बताने की जरूरत ही नहीं, गम की रुदात बताने की जरूरत ही नहीं, वो जानते हैं बताने की जरूरत ही नहीं। काश बुलवा के मदीने में ये फरमा दे मेरे आका, काश बुलवा के मदीने में ये फरमा दे मेरे आका, अब तुझे लौट के जाने की जरूरत ही नहीं, अब तुझे लौट के जाने की जरूरत ही नहीं, और हर दर्द हर गम की दवा मांग रहा हूँ, सरकार के दामन की हवा मांग रहा हूँ, जीने की तमन्ना है मुझे इसलिए आका, मरने की मदीने में दुआ मांग रहा हूँ, मरने की मदीने में दुआ मांग रहा हूँ। और जाते जाते बस एक शेर और पढ़ूंगा, कल रास्ते के जितने थे पत्थर समेट कर ले जा रहा था कलंदर समेट कर, होने लगा जो जिक्र लुआबे रसूल का, हुकमा तमाम चल दिए दफ्तर समेट कर, अहमद रजा को देख कर मैदान में बा खुदा
भागे वहाबी बोरिया बिस्तर समेट कर, अहमद रजा को देखकर मैदान में बाखुदा भागे वहाबी, भागे वहाबी बोरिया बिस्तर समेट कर। आइए बड़ी तेजी के साथ उस खतीब की बारगाह में अरीजा खिताबत पेश कर दिया जाए। शोहरत ने जिसके कदमों को चूमा है, इज्जत और मकबूलियत जिसके होठों पर गुलाब की तरह खिलती हुई नजर आती है, जिनकी तकरीर में इल्म का वकार, अदब की शादाबी, शौकत ख्याल की रंगीनियां टपकती हैं। मैं ये चाहता हूँ आप उस खतीब के लिए अपने दिल को बिछा दे, अपनी पलकों को बिछा दे, ताकि वो इल्म अदब का शहजादा उस पर चल कर आ जाए। कमाल की बात तो यह है हजरत की, आप आए हो अपने लिए, ये खतीब आए हैं आपके लिए। लोग बोलते हैं अपने लिए, ये खतीब बोलते हैं जमाने के नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए। तभी तो दुनिया वाले हजरत को मसला के आला हजरत का नाशिर कहते हैं, तभी तो दुनिया के लोग हजरत को मोहब्बत अहले बैत का नगीना कहते हैं। परेशान ना हो, सुनने के लिए तैयार हो जाइए। तशरीफ ला रहे हैं तलीकुल लिसान फसीहुल बयान हम सबके मेहमान खतीब आजम हिंदुस्तान हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा हुजूर सैयद आली मुल कादरी साहब क़िबला की आमद आमद है। सारा मजमा मोहब्बत के साथ मेरी आवाज में आवाज मिलाकर नारा लगाए, जो अब नहीं बोला वो अब बोले, जो यहाँ बोलेगा कियामत में उसके लिए मेरे आका बोलेंगे, और जो यहाँ ना बोला वो कियामत में बोलेगा। मोहब्बत से मेरी आवाज में आवाज मिलाकर नारा लगाएं, लगना चाहिए नारा सरजमीन अस्करीपुर में नहीं गुंबदे हजरत की छाव में लग रहा है। ऐसा नारा लगाओ हमारी आवाज बरेली शरीफ होती हुई सीधी मदीना शरीफ पहुंच जाए तो देर किस बात की है। अच्छे खतीब आ रहे हैं, उठाइए हाथ, लगाइए नारा नारे तकबीर। माशाल्लाह ये अस्करीपुर है और यहाँ बहुत बड़े बड़े जलसे होते हैं। कई साल मैंने भी शबे बारात पर जो जलसा होता है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह निजामत की है और आपके महल्ले में भी निजामत की है। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, मेहमान का कहना मानते हैं। बुलंद आवाज से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अस्करीपुर के सुन्नी मुसलमान, हुजूर सैयद आली मुल कादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम लोग उनकी शान में क्या गुफ्तगू करें, जिब्रील जिनके कुर्ब की खुद आरज़ू करें, उस शाते मुस्तफा के मरातिब न पूछिए, दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वजू करें। बेशक सुभान अल्लाह।